हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नवनीत वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। माउंट आबू राजस्थान की रेतीली भूमि पर समुद्र तट से औसतन 1219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मनोलुभावन और चिरस्मरणीय सूर्यास्त दृश्य व प्राकृतिक शिल्प सौंदर्य की सूक्ष्मता, कोमलता तथा विशिष्टता से परिपूर्ण है। माउंट आबू हरी भरी जंगली पहाड़ियों के मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर दिल्ली से 760 किलोमीटर, अहमदाबाद से 214 किलोमीटर, उदयपुर से 185 किलोमीटर तथा आबू रोड से 28 किलोमीटर दूर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यह एक पर्वतीय, दर्शनीय व पर्यटक स्थल के साथ साथ हिंदू तथा जैन तीर्थ क्षेत्र भी है। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण आबू विशाल मरुस्थल वाले राजस्थान में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आप रेगिस्तानी गर्मी से बचकर एक शीतल वातावरण एवं सुगंधित पवन का रसपान करने आ सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में ऋषियों तथा मुनियों की इस तपोभूमि में एक समय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते थे। एक अन्य लोकोक्ति के अनुसार आबू हिमालय का पुत्र है तथा अर्बुदा बुद्धि की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता था। कहते हैं कि आबू पर्वत का नाम अर्बुदा के ही नाम पर पड़ा था। चारों ओर से हरे भरे पेड़ों की कतारों तथा ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी नयनाभिराम नक्खी झील गंगा के समान ही पवित्र मानी गई है। इसका एक विशेष धार्मिक महत्व है। समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित नक्खी झील देश के इकलौती कृत्रिम झील के रूप में भी जानी जाती ही जाती है। एक कथन के अनुसार इस झील को बालम रसिया नामक एक सिद्ध पुरुष ने अपने नाखूनों से खोदकर मात्र एक रात में बनाया था। इसी कारण यह नक्खी झील कहलाती है। मुख्य बाजार के पास स्थित यह झील आबू पर्वत के हृदय स्थल भी कहलाती है और इसके एक और बाग बगीचे व मंदिर आदि है तो एक और भारत माता नमन स्थल व दंता शिव तथा दूसरी ओर मुख्य बाजार है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आबू पर्वत एक पर्यटक स्थल है, अतः यहाँ हर प्रकार की वस्तुएं, ज्वेलरी, लकड़ी की वस्तुएं, मार्बल की मूर्तियाँ आदि खरीदारी के लिए मिल जाती है। यहाँ के नक्की बाजार, मीना बाजार, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम, खादी ग्रामोद्योग भवन व बाजार से विभिन्न प्रकार के खिलौने, मूर्तियाँ, साड़ियाँ, तैयार कपड़े व अनेक प्रकार की वेशभूषा व धातुओं के गहने खरीदे जा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को इसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। यहाँ नौका विहार का उत्तम प्रबंध है। रात के समय विद्युत प्रकाश में इसकी सुंदरता में और भी अभिवृद्धि हो जाती है जब यह रंग बिरंगी बत्तियों के प्रकाश में नहा उठती है। शाम के समय डूबता हुआ सूरज बहुत ही अच्छा दृश्य उत्पन्न करता है। यहाँ पे आप गायरो राइड में बैठकर नक्खी झील का 360 डिग्री दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। रॉक मेंढक चट्टान आबू पर्वत चारों ओर से बड़ी ही विलक्षण आकृति की चट्टानों से घिरा हुआ है। इन्हीं में से एक है नक्खी झील के दक्षिण पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित टोड रॉक। मेंढक के अनुरूप प्राकृतिक कटाव के लिए इस चट्टान से नक्खी झील व आबू शहर का बहुत ही आकर्षक चीर स्मरणीय विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। टोड रॉक के रास्ते में प्राचीन राजाओं का महल जयपुर हाउस भी पड़ता है। नीचे नक्की झील से इस ओर देखने से मानो ऐसा लगता है कि कोई मेंढक नदी में छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा हो। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, और यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए
दिलवाड़ा अचलगढ़ मार्ग पर लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अरावली पर्वतमाला की सौंदर्य निहारने के लिए यह सबसे अच्छा स्थान है। यदि आप माउंट आबू एक निश्चित समय के लिए जा रहे हैं, तो आपको गुरु शिखर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहां जाते समय आपको अरावली पर्वतमाला की सुंदरता तो देखने मिलेगी ही, और साथ ही साथ आपको ऐतिहासिक मंदिरों व तीर्थ स्थलों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। यहां से आप आबू पर्वत के साथ साथ अरावली पर्वतमाला और आबू रोड के दृश्य निहार सकते हैं। कोट रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा दर्शनीय है। इस प्रतिमा में हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठा रखा है। इसी हनुमान मंदिर से 5 किलोमीटर नीचे की ओर जंगलों की सुंदर घाटियों में लगभग 700 सीढ़ियां उतरने के बाद एक सुंदर व रमणीय स्थान गौमुख आता है। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ को समर्पित इस स्थल पर स्थित अग्निकुंड में ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ कर राजपूतों के 4 कुलों की उत्पत्ति की थी। एक प्राकृतिक जंगली घाटी के मध्य स्थित गौमुख में पत्थर के कृत्रिम गाय के मुख से शीतल पानी का झरना निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इस तालाब के आसपास नंदी, ऋषि वशिष्ठ, भगवान राम तथा भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी हैं। सनसेट पॉइंट नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यास्त दर्शन स्थल मतलब सनसेट पॉइंट का नजारा लेने हेतु हजारों दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। पहाड़ी के इस अंतिम सिरे के बाद हजारों मीटर नीचा मैदान है, जहां लाल पीले गोले के रूप में सूर्य अदृश्य होता हुआ नीचे उतरता हुआ सुदूर जंगलों में खो जाता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नक्की झील के पास पांडव भवन में स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक क्रांति का विद्यालय है। यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान का मुख्यालय भी है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान और सहज योग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां स्थित संग्रहालय में ईश्वरीय ज्ञान व दिव्य बुद्धि पर आधारित सुंदर चित्रों का संग्रह है। यहाँ योग व साधना की जानकारी भी दी जाती है। दिलवारा मंदिर आज तक तस्वीरों में आपने जो भी देखा होगा शायद कहने की जरूरत नहीं, वाकई हस्तशिल्प का खजाना है ये दिलवारा के जैन मंदिर। मंदिर का एक एक हिस्सा ऐसा तराशा हुआ है जैसे अभी बोल उठेगा, ऐसी खूबसूरती जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है। कलाकृति और शिल्प का ये बेजोड़ नमूना है। मंदिर की दीवारें, खम्बे सब कुछ देखकर आंखें ठहर सी जाती है। इस मंदिर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो शिल्प से नहलाया नहीं गया हो। मंदिर की एक एक दीवारें आज अपनी कहानी बयां करती है। 5 मंदिरों के इस समूह में हर एक की अलग पहचान है। इस मंदिर से जुड़ी है कई बातें, कई कहानियां और कई मान्यताएं जो अपने आप में अनोखी हैं। यहां कुल 5 मंदिरों का समूह जरूर है, लेकिन यहां के 3 मंदिर खास हैं। आपको बता दें, दिलवाड़ा का ये मंदिर 48 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर की वास्तुकला और शिल्प को देखकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ऐसा नमूना शायद ही आपको दुनिया भर में कहीं देखने को मिले। तभी तो कभी एक लेखक ने इस मंदिर को देखकर कहा था कि ताजमहल अपनी जगह होगा, लेकिन ऐसी इमारत दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। भले ही दिलवाड़ा का ये मंदिर दुनिया के 7 अजूबों में शुमार नहीं है, लेकिन ये अपने आप में ही एक अजूबा है। अर्बुदा देवी, अधर देवी। आबू के मुख्य देवी के रूप में मान्य अर्बुदा देवी के प्राचीन मंदिर मुख्य बाजार के उत्तर की बस्ती में 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए पहाड़ पर 365 सीढ़ियां बनी हुई हैं।
एक विशाल शिला के नीचे स्थित अर्बुदा देवी का निज मंदिर एक गुफा में है, जिसमें बैठकर जाना पड़ता है। यहाँ प्रतिष्ठित देवी अर्बुदा की मूर्ति हवा में अधर है, इसीलिए इसे अधर देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर को आबू का अति प्राचीन तीर्थ माना गया है। अचलगढ़। हिंदू व जैन मंदिरों के साथ साथ अनेक प्राचीन एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध अचलगढ़ आबू पर्वत से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। आबू पर्वत व दिलवाड़ा से नियमित बस सेवा द्वारा जुड़े अचलगढ़ में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख है अचलेश्वर महादेव। ईस्वी 813 में निर्मित अचलेश्वर महादेव एक शिव मंदिर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार काशी विश्वनाथ ने जब अपना पैर पसारा तो उनका अंगूठा यहाँ तक पहुँचा और उसी से यहाँ एक गड्ढा हो गया। इसीलिए इस मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। मुख्य मंदिर के सामने भगवान शिव के वाहन नंदी की एक विशाल पीतल की मूर्ति है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल व जिंक आदि पांच धातुओं से बनी इस मूर्ति का वजन लगभग 4 टन है। इस पर अहमदाबाद के बादशाह मोहम्मद बेगड़ा के खजाने की लालच में किए गए प्रहारों के निशान अब तक दिखाई देते हैं।